गैस, अगर आप लोग एक बिजनेस रन करते हैं या फिर किसी भी तरह की फ्रीलांसिंग करते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, तो कुछ चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे जो कि आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। नंबर वन से स्टार्ट करता हूं और वो है एक बेसिक वेबसाइट। अगर आप लोग कोडिंग की फील्ड में हैं, आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज ऑफर करते हैं या फिर मे बी आप लोग ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज ऑफर करते हैं, देन आपकी एक वेबसाइट ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हैं और एक वेब डिज़ाइनर हैं, तब तो आपकी वेबसाइट बहुत धमाकेदार दिखनी ही चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी दूसरे की वेबसाइट बनाने का काम रखते हैं, तो आपकी खुद की वेबसाइट तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो वो आपकी वेबसाइट को देखेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे की वेबसाइट अच्छी है, और फिर वो आपसे शायद उसकी पोटेंशियल क्लाइंट बनने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगर आप लोगों के पास एक वेबसाइट होगी, तो आप लोगों के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाएगा ट्रांजैक्ट करना। अब आप अगर एक बहुत ही सिंपल वेब डेवलपर हैं, एक बहुत ही छोटे स्केल से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं लेट अस से $10, $20, $30, $40 पर वेबसाइट से, एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट मान लो, बूटस्ट्रैप के थ्रू आप डिलीवर कर रहे हैं, और आप लोग थोड़े कम पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तब भी आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास वेबसाइट तभी हो जब आप लोग जो है हज़ारों डॉलर्स का काम कर रहे हैं, फिर लाखों रुपये का काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आप लोग एक बहुत ही बेसिक लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है और आप लोग गूगल सर्च में आते हैं, तो आपकी पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वेबसाइट ओन करना बहुत आसान है आज की तारीख में। आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो, टेलविंड सीएसएस यूज़ कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बता रखा है किस तरह से करना है। आप लोग अपनी वेबसाइट में एसईओ करने के लिए गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब गूगल सर्च कंसोल क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप लोग सिंपली गूगल को अपना साइट मैप सबमिट करते हो, अपने सारे लिंक्स देते हो वेबसाइट के, अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को अच्छा बनाते हो, और आप लोग लोडिंग टाइम को कम करते हो, यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाते हो, और गूगल आपको इंडेक्स कर लेगी अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है और किसी भी एक सर्च टर्म से रेलेवेंट है। तो ऐसा करने से आपकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं गूगल में बढ़ने के, अगर आप लोग अपना साइट मैप वगैरह सबमिट करते हो, सर्च कंसोल पर लॉग इन करते हो, क्योंकि एक तो गूगल को पता चलता है कि हाँ यार, आप अपनी वेबसाइट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, और उसी के साथ साथ आप जब हेल्प करते हो गूगल को कि यार मेरी जो वेबसाइट है वो इस चीज के बारे में, तो गूगल के लिए आसान हो जाता है आपको अपने सर्च रिजल्ट्स मिलाना। ठीक है, उसी के साथ आप गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करो, ताकि आपको पता चले कि आपकी वेबसाइट कौन कौन विजिट कर रहा है। अब एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग एक ब्लॉग इस्तेमाल कर रहे हो और आप लोग एक वेबसाइट के अंदर, अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर जिसमें आप अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें अपने एक ब्लॉग को एम्बेड करते हो, तो आपका ब्लॉग ट्रैफिक ड्राइव करने का काम करेगा और आपकी सर्विसेज आप लोगों के लिए कुछ इनकम जनरेट करने का काम करेंगी, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं और लेजिट हैं। तो अपनी वेबसाइट पर एसईओ करो, साइट मैप सबमिट करो सर्च कंसोल पर, और गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करो अपने ट्रैफिक को समझने के लिए। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो आपके जो पेमेंट्स हैं। एक बार आपके पास क्लाइंट्स आने लग गए, आप लोग के पास अगर बहुत सारे लोग आ गए, अब आप लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, वो आपको पे कर रहे हैं, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आपके पास पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ वे में होना चाहिए। अब देखो यार, अगर आप लोग मान लो बाहर से पैसे मंगाते हो, तो ऑप्शंस हैं, वो आपको पैसे भेज रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि स्मूथेस्ट वे पॉसिबल में आपको पैसे मिले, और आप भी ये चाहते हो कि उनको आसानी हो आपको पैसे भेजने। एक वेबसाइट आप लोगों को बताता हूँ, getbootstrap.com। फिर एक और तरीका बताऊंगा वेबसाइट बनाने का, और उसके बाद ये इनवॉइस की टेम्पलेट है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एग्जांपल्स में जाके आपको ये बता देता हूँ कि getbootstrap.com से अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे हो तो कैसे बनाओगे। सिंपली getbootstrap.com पे जाओ, डॉक्स पे जाओ, और ये चीज़ कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर सकते हो आप लोग। और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर बॉडी के अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे बूटस्ट्रैप में, वो आपका चलेगा। अब बॉडी के अंदर का जो सामान है वो आप कहाँ से लाओगे, वो आप यहाँ पर कंपोनेंट से लाओगे। ये सारे कंपोनेंट्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इनके कोड अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो मुझे ये चीज़ आ जाएगी, मैं ये रीनेम कर सकता हूँ, ये रीनेम कर सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल में बता भी रखी हैं, तो आप लोग वो जाके देख लेना। लेकिन एक और तरीका जो है वो है टेल ब्लॉक्स। तो टेल ब्लॉक्स बहुत ही सिंपल तरीका है, tailblocks.cc पे जाके आप लोग लिटरली कंपोनेंट्स पूरे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं नैव बार लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से नैव बार ले सकता हूँ, फुटर ले सकता हूँ, हेडर ले सकता हूँ। ये नैव बार यहाँ पर मुझे मिल गया, मैं इसका कोड व्यू कोड में जाकर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसकी कलर स्कीम भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर आप लोग चाहते हो पिंक कलर स्कीम, या फिर ये वाली कलर स्कीम, या फिर ग्रीन कलर स्कीम, तो अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग कलर स्कीम पे आप लोग वेबसाइट बना के दे सकते हो, बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विकली। कभी कभी मैं भी यूज़ करता हूँ इसको, क्यों? क्योंकि जो मेरा क्लाइंट है उसको वेबसाइट चाहिए होती है बहुत ही बेसिक, और मुझे ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाना होता है, और उनको भी मतलब नहीं होता है बहुत ज़्यादा। डिज़ाइन तो देखो ऑलरेडी अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमाइज डिज़ाइन से उनको मतलब नहीं होता है, तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद पेमेंट की बात करता हूँ। देखो यार, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ कंपनीज के नाम बताऊँगा। एक तो पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट गेटवे, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी सारी वेबसाइट्स पे।
पेटीएम पेमेंट गेटवे, फिर इसके बाद एक रेज़र पे है, फिर इसके बाद एक पेपाल है, फिर इसके बाद आप जब इनको सर्च करते हो तो आपको एड्स आते हैं यहाँ पर, और भी नए नए पेमेंट गेटवेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे लिए पेटीएम बिल्कुल सही से काम करता है। आप लोग रेज़र पे भी यूज़ कर सकते हो, हो सकता है फ्यूचर में पेटीएम महंगा हो जाए, अभी के हिसाब से जो चार्जेस हैं पेटीएम के, देखो यार अगर आप लोग कमा रहे हो तो थोड़े बहुत चार्जेस देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको देने तो पड़ेंगे यार थोड़े बहुत चार्जेस अगर आप लोग अपनी वेबसाइट पर यूज़ करना चाहते हो। पेटीएम यूपीआई के लिए फ्री होता है, तो अगर कोई भी आपका क्लाइंट यूपीआई करता है आपको तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पड़ता है। और मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी काफ़ी ठीक हो गई, और मैंने वीडियोज़ भी बना रखे पेटीएम पे। रेज़र पे की जहाँ तक बात करूँ, हाँ मैंने इसका नाम ज़्यादा सुना है, मैंने पर्सनली एक बार इंटीग्रेट किया हुआ भी है, बट मैंने यूज़ नहीं किया है अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी ने बोला था इंटीग्रेट करने के लिए, तब मैंने इंटीग्रेट किया था। पेपाल की अगर मैं बात करूँ, पेपाल सबसे वर्सटाइल तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है, और केयरफ्री तरीका है कि यार पेपाल ट्रस्टवर्दी चीज़ है, कि आप किसी को पेपाल का लिंक भेजते हो तो वो कहता है हाँ भाई पेपाल का लिंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पेपाल महंगा है यार, हाँ ये सच है पेपाल महंगा है, और ये बात हमें माननी पड़ेगी। मैं यूज़ करता हूँ, कभी कभी यूज़ करता हूँ यार बिल्कुल इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि यार हम पेपाल यूज़ करते हैं तो पेपाल चलेगा कि आपको, तो हाँ ही बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन दूसरा रहे तो आप उसको यूज़ करो। तो मैं पर्सनली आज की तारीख में आप लोग को जो रिकमेंड करूँगा, जो कि शायद पहले मुझे किसी ने नहीं बताया, वो ये है कि अपनी एक वेबसाइट बनाओ, इस तरह की सर्विसेज यूज़ करके बनाओ यार, स्टार्ट तो करो, उसके बाद वहाँ पर अपनी सर्विसेज का एक सेक्शन रखो, और अपनी वेबसाइट पर आप लोग कुछ सर्विसेज रख दो, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, फिर इसके बाद जैसे मान लो आप मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो, वन मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप रखो और उनके चार्जेस रख दो। जैसे कि मान लो आपने 10,000 रुपये रखे अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के चार्ज, ठीक है, अब आप चाहते हो, आपको किसी क्लाइंट ने बोला कि यार नहीं यार मैं तो 5,000 ही देता हूँ, या फिर आपने 50,000 रखे हैं चार्ज, आपका क्लाइंट बोलता है नहीं यार मैं तो 10,000 ही देता हूँ, तो आप क्या करो, एक कूपन सिस्टम रखो, लॉजिक ऐसा बिल्ड करो कि कूपन कोई भी अप्लाई करे तो प्राइस कम हो जाए, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल प्राइस है वो 50,000 आपका टारगेट प्राइस है कि यार 50,000 में मैं वेबसाइट बना दूंगा। लेकिन कभी कभी अगर आप लोग मान लो चाहते हो 10,000 की बनाना, फॉर एनी रीज़न, हो सकता है उसकी वेबसाइट सिंपल हो, कोई भी रीज़न होता है, तो आप उसको 40,000 रुपये का कूपन दे सकते हो। तो इस तरह के काम आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको इंटरनेशनल पेमेंट लेने में भी आसानी होगी, आप पेटीएम के थ्रू इंटरनेशनली भी पेमेंट ले सकते हो, ठीक है, ये चीज़ जो है आप लोग कर सकते हो। अब उसी के साथ साथ कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि यार जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आप लोग यूएस यूके में फ्रीलांसिंग कभी भी करी है आपने, मैंने पर्सनली करी है, तो उनकी जो पेमेंट साइकिल होती है वो 30 डेज की होती है। वो कहते हैं कि भाई आज काम करो, इनवॉइस सबमिट करो, 30 डेज के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में पेमेंट होके मिल जाएगा, और मिल भी जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग इनवॉइस की टेम्पलेट ये वाली यूज़ कर सकते हो, ये मैं आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका, इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस भरो, यहाँ पर उस कंपनी का एड्रेस भरो, बिलिंग एड्रेस ये बिल्कुल सही होना चाहिए उनकी, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एड्रेस है वो होना चाहिए, नहीं तो कंपनी का जो लीगल एड्रेस है जहाँ से वो बिजनेस कर रही है वो होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ आपका पैन नंबर, और यहाँ पर आप अपना एक इनवॉइस नंबर मेंटेन करके चलो, और डेट इनवॉइस की, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है लिख सकते हो कि आपने क्या क्या बनाया, और क्वांटिटी उसकी क्या है, और यूनिट प्राइस क्या है, और टोटल क्या है, ये सब इस तरह से। सिंपली ये मैं आपको डॉक दे दूंगा, डॉकएक्स है ये, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे इंटरनेट पर खोजते खोजते नहीं मिला, कभी भी इंटरनेट पर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर चार्जेस, जैसे कि वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर इनवॉइस लिखोगे इनवॉइस ऑनलाइन, तो वहाँ पर आप लोग को सर्विसेज जो है वो पैसे लेना शुरू कर देती हैं कि भाई इनवॉइस बिल्ड करो, पैसे दो, लेकिन प्राइसिंग है। आप जैसे मान लो आपने 10 इनवॉइसेस बिल्ड कर ली, उसके बाद आपको 11वीं इनवॉइस के लिए जो है, अब यार इनवॉइस के पैसे एक कोडर तो शायद ही देगा, ठीक है। अब यार देखो देने वाले देते भी हैं, उसमें बहुत सारी सर्विसेज भी ऐसी मिलती हैं जो कि शायद आपका टाइम बचाती हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद मेरे हिसाब से टेम्पलेट बहुत बढ़िया, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो एक वेबसाइट अपनी रेडी रखो, उसमें आप लोग पेमेंट गेटवे लगा के रखो, क्लाइंट को बोलो कि आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ये रहा आपका कूपन कोड, तो जैसे ही वो पेमेंट करेगा आप लोग काम शुरू कर दोगे। 50% पेमेंट का भी ऑप्शन आप देख सकते हो क्लाइंट को, कि 50% वो बाद में दे दे, तो ये सब आप लोग अपनी वेबसाइट में बना लेना। अगर क्लाइंट को एक ईमेल भी चले जाए पेमेंट करने के बाद तो और भी अच्छा है, तो आप लोग ईमेल सर्विस भी लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे कि यार क्लाइंट ने पेमेंट किया और उसको एक ईमेल चला जाएगी, भाई आपने 50% पे कर दिया, आपकी वेबसाइट इस दिन में डिलीवर हो जाएगी, तो प्रोफेशनल लगेगा क्लाइंट को भी कि यार आपको भी कुछ आता है, वो भी कहेगा क्लाइंट कि यार इसने अपनी वेबसाइट इतने बढ़िया सिस्टम बनाया है तो यार इस बंदे से काम कराना तो बनता है। तो आप अपनी वेबसाइट अगर अच्छी रखोगे तो क्लाइंट जब देखेगा आपकी वेबसाइट तो कहेगा हाँ भाई बढ़िया है। अब क्लाइंट को मेल कैसे जाएगा, आप लोग यूज़ कर सकते हो, देखो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, होता तो बता देता, MSG91 नाम की एक सर्विस मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, एकदम एक रुपया नहीं मैंने खर्च किया आज तक इस पे, फ्री में मुझे मिल गए ईमेल्स, करीब 20,000 ईमेल्स महीने के मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो फ्री में आप लोग को 20,000 मिलते हैं, अभी नहीं पता मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ट्राई फ्री आप करोगे शायद आप लोग को मिलेगा, बट देख लेना यार, ठीक है, इसको आप लोग खुद देख लेना। और अगर कोई दूसरी भी सर्विस मिलती है तो उसको यूज़ करना यार, जो सही लगे आपको वो यूज़ करना। वैसे एक ट्विलियो भी होती है, बट ट्विलियो थोड़ी सी महंगी है शायद,
और देखो यहाँ पर लिखा भी है किसी ने ट्विलो वर्सेस MSG 91, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे हैं, देखो अगोडा है, ये अगोरा है, मैसेज बर्ड है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप लोग देख लेना यार ये सब चीज़ें। बट अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो, ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, आपको बता दूँ। फिर बात आ गई VPS की, आप लोग होस्टिंग सर्विस कौन सी यूज़ कर सकते हो। देखो यार पर्सनली मैं पहले डिजिटल ओशन यूज़ करता था, अभी मैं लिनोड यूज़ करता हूँ और दोनों ही बढ़िया है, मैं आपको बता दूँ। आप लिनोड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डिजिटल ओशन यूज़ कर सकते हो। जब क्लाइंट के पैसे खर्च हो रहे होते हैं, यानी कि वो मुझसे कुछ बनवा रहा है और वो कह रहा है कि भाई हमें होस्टिंग चाहिए, तब मैं AWS यूज़ करता हूँ। गलत समझना मुझे, मैं इसलिए AWS यूज नहीं करता हूं कि उसका खर्चा ज्यादा पड़े, मैं इसलिए यूज करता हूं कि AWS यार बहुत सीमलेस है, काफी बढ़िया है, हर चीज की सर्विसेज अवेलेबल है, प्रीमियम सपोर्ट है, थोड़े से खर्च होते हैं पैसे, वही एप्पल वाली बात है कि भाई थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, चीज मिलती है, लेकिन तो वही चीज AWS के साथ भी है। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कभी करा नहीं है और पैसे नहीं है आपके पास, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो कर लो यार, ये अच्छा है कि बुरा है? हाँ यार ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी जेब में 0 रुपीज है, आपने जस्ट स्टार्ट करा है, तो नहीं यार, तो आप लोग DigitalOcean, Linode, यहाँ पर अपना कार्ड ऐड करो, $100 फ्री क्रेडिट मिलता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। किसी के भी थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं है, आजकल सारी कंपनी जो है वो जो है $100 देती हैं क्रेडिट्स, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर यार एक बात और मैं आप लोग को बताता हूँ, किसी भी वेबसाइट पर आप लोग अपना कार्ड ऐड करते हो, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेशनल पेमेंट है, तो बिना OTP के पेमेंट भी हो जाता है आजकल, तो वो भी ध्यान रखना आप लोग। ऐसा नहीं कि आपने कार्ड ऐड किया, आपके $100 खत्म हो गए और उसके बाद आपको चार्जेस पड़ रहे हैं। मेरे पास बहुत शिकायतें आई हैं ऐसी, जैसे कि अगर आपने मान लो Linode पे अकाउंट बनाया, कहीं पे भी अकाउंट बनाया, CloudWiz पे अकाउंट बनाया, और CloudWiz पे आपके जो फ्री क्रेडिट्स हैं वो खत्म हो गए, तो उसके बाद जाहिर सी बात है यार वो आपके कार्ड को ही चार्ज करेंगे, और इसीलिए वो कार्ड ऐड भी करवाते हैं फ्री में। तो आप स्मार्ट रहो, अपना कार्ड हटा दो यार, क्या दिक्कत है अपने कार्ड में। जैसे अगर आप लोग HDFC का कर रहे हो या फिर ICICI का कर रहे हो, उसमें एक आपके डैशबोर्ड में ऑप्शन होता है, अपने बैंक के डैशबोर्ड में ऑप्शन होता है कि आप लोग इंटरनेशनल पेमेंट को ऑफ कर सकते हो, तो वो कर लो। वो करोगे तो पैसे भी नहीं कट पाएंगे पैसे आपके, तो दोनों में से कोई भी एक चीज कर लो आप लोग। मैं तो इंटरनेशनल पेमेंट ऑफ ही रखता हूँ अपने कार्ड्स के, जब भी मुझे पेमेंट करना होता है या मुझे पता है कि भाई इस तारीख को जो है मुझे पेमेंट करना है, तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ। तो ये जो यहाँ पर इनवॉइस टेम्पलेट है, इसको आप लोग फाइनली जब क्लाइंट को भेजोगे तो डॉक एक्स मत भेजना, आप इसकी PDF बना के भेजना। यहाँ पर आप लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, फाइल में जाकर, और यहाँ क्रिएट PDF पर क्लिक कर देना और PDF बन जाएगी इसकी। और ये जो टेम्पलेट मैं आपको दूंगा वो डॉक एक्स फॉर्मेट में दूंगा, उसका रीज़न ये कि मैं चाहता हूँ आप लोग एडिट करके अपने क्लाइंट्स को भेज सको। लेकिन आप जो क्लाइंट को भेजोगे तो PDF में भेजना, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। और वर्ड से PDF बनाना बिल्कुल फाइल में जाकर और एक्सपोर्ट करके, और वो आप कर लेना यार, इतना आपको आता ही होगा। तो अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो यार पैसा कमाने में कुछ भी गलत नहीं है, अगर आप लोग सही तरीके से पैसा कमाते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ गलत तरीके से पैसे कमाना बिल्कुल गलत है, लेकिन सही तरीके से अगर आप लोग पैसे कमाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल भी गलत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये मिथ बनाकर रखा हुआ है कि यार एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तरीका पैसे कमाने का गलत है। आप अपने आप से पूछो कि यार वो जो पैसे कमाने का तरीका है उसका मॉडल क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है। अगर वो मॉडल ही पॉजिटिव है ना, तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग ऑटोमेट करो बोरिंग स्टफ को यार। अगर आप लोगों ने बोरिंग स्टफ को ऑटोमेट नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इनवॉइस बनाने की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। आप लोग को इनवॉइस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, एक सिंपल डॉक्यूमेंट के थ्रू PDF बना लो और उस PDF को माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू आप लोग एडिट कर सकते हो। आप लोग सिंपली ऊपर टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो और वहाँ पर उस PDF को आप लोग लिटरली एडिट कर सकते हो, वहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल सकते हो जिस भी क्लाइंट के लिए आप लोग इनवॉइस बना रहे हो। अगर आप लोग एक प्रोग्रामर हैं तो आप लोग एक पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हो जिसको आप इनपुट दे सकते हो, एड्रेस किसके नाम से इनवॉइस बनानी है, किस चीज़ की इनवॉइस है, टोटल कितना है, आइटम्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आप कमांड लाइन से पंच करो और आउटपुट में आपको एक इनवॉइस जनरेट होकर मिल जाए। कितना अच्छा होगा अगर आपने ऐसा कर दिया। तो इस तरह के बोरिंग स्टफ को आप लोगों को ऑटोमेट करना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं पोटेंशियल क्लाइंट्स को आप तक पहुंचाने की, तो आप लोग को ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और स्ट्रैटेजिकली ऑटोमेट करना चाहिए। मैंने पर्सनली ये पता कैसे सीखा, मेरे पास मेल्स आते थे लोगों के, वो लोग मुझे बोलते थे कि यार आपको ये करवाना है क्या, फिर अगर मैं उनको एक दो हफ्ते तक रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो एक फॉलो अप मेल आता था। फिर मुझे पता चला कि वो जो मेल मुझे आ रहा है वो मेरे एक और दोस्त को आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान मुझे और मेरे दोस्त दोनों को जानता है, नहीं,
दैट पर्सन इज डूइंग ईमेल मार्केटिंग एट अ वेरी बिग स्केल, ठीक है। तो आप लोग इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे सोल्यूशन है आजकल जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एक दो सोल्यूशन के नाम बताता हूँ, आप लोग ट्विलियो का इस्तेमाल कर सकते हो, MSG97.com है एक, जो कि एक वेबसाइट है ईमेल सेंड करने की। तो आप उसके अराउंड एक पाइथन प्रोग्राम बना सकते हो या फिर एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बना सकते हो Node.js का यूज़ करके, और डायरेक्टली एक सर्वर पर शेड्यूल कर सकते हो अगर आप लोग एक प्रोग्रामर हैं। अगर आप लोग एक प्रोग्रामर नहीं है तो इनिशियली ये काम मैनुअली भी यार कर सकते हो। आप लोग मेल्स वगैरह भेजना टू सम ऑफ योर क्लाइंट्स इज फाइन, बट मेक श्योर कि आप बल्क ईमेल ना भेजे एक ही टाइम पर एक ही घंटे के अंदर हजारों मेल्स भेजोगे तो स्पैम में चला जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ये है कि आप लोग एक्चुअली किसी की लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग किसी की लाइफ में एक्चुअली में वैल्यू एड कर रहे हो तब आप लोग अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाओगे। अगर आप लोग वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो एक टाइम पर आपका बिजनेस जरूर बंद हो जाएगा। तो आपको फोकस करना है कि आप लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है। अब अगर आप लोग अकेले वेबसाइट्स बना रहे हो तो वो एक बिजनेस है। अगर आप लोग कॉलेज के साथ साथ साइड हसल कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, वो भी एक बिजनेस है। बिजनेस इज बिजनेस, उसको आप बिजनेस का नाम देते हुए शर्माओ मत। ये आपका बिजनेस है, कल मे बी इसके अराउंड आप एक बड़ी कंपनी बना दो, हु नोस। अगर आप लोग अपने क्लाइंट्स के लिए वैल्यू जनरेट करते हैं तो वो आपके पास वापस आएंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे और लोगों को भी बताएंगे कि आप कितने कमाल के वेब डेवलपर / वेब डिजाइनर या मे बी एंड्रॉयड डेवलपर या मे बी पाइथन डेवलपर हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत ज्यादा काम करता है। फिर एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, वो ये है कि कीप अप स्किलिंग। अगर आप लोग अप स्किलिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप एक छोटी सी चीज पर अटके हुए और आप लोग कह रहे हैं कि यार आज तक मैंने जो सीख लिया उससे मैं लाइफ टाइम बिजनेस बनाऊंगा, तो वो भी गलत है। अगर आप लोग 30, 35, 40, 50, 55, 60 साल के भी हैं तब भी अप स्किलिंग करते रहिए, इट्स अ प्रोसेस। इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए कि आज आपको जो आता है कुछ ऐसा करो कि कल आपको उससे ज़्यादा आए। एक्सपीरियंस लो, स्किल्स लो, कुछ सीखो। ऑलवेज टेक सम टाइम टू लर्न समथिंग। मैं ये आज भी करता हूँ, आज मुझे जो भी आता है कल मुझे उससे ज़्यादा आएगा, परसों मुझे उससे और ज़्यादा आएगा, एंड दैट्स हाउ आई एम ग्रोइंग ओवरऑल। और अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तभी मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा, तभी मैं अपनी ऑफरिंग्स को ग्रो कर पाऊंगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग को ये सब सुन के मज़ा आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time.